है गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ एंड टेंथ ऑल्सो, क्योंकि अभी जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो डिपेंड है क्लास सेवेंथ और टेंथ दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्लास सेवेंथ में भी है और क्लास टेंथ में तो है ही, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों। तो इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। टेंथ की जो कुछ बातें हैं वो हम क्या करेंगे लास्ट में, जो सेवेंथ में नहीं है उसे टेंथ में करें तो उसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं जो कॉमन पॉइंट है सेवेंथ और टेंथ में। तो सबसे पहले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। और जब रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म गिव अराइज टू यंग वंस, एन ऑर्गेनिज्म गिव अराइज टू यंग वंस ऑफ सेम काइंड, यंग वंस ऑफ सेम काइंड टू कंटिन्यू देयर रेस। वो क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपने वंश को आगे बढ़ा सके, अपनी जाति को आगे बढ़ा सके, इसीलिए क्या होता है रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव अराइज हिज और हर यंग वंस टू कंटिन्यू हिज और हर रेस, ठीक है बेटा। तो क्या कर सकते हैं, तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्हाई इज इट नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। सबसे पहले मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ, इनके जो भी स्पेसीज है उसको अर्थ पर मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज, स्पेसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, एक तो स्पेसीज को एग्जिस्टेंस के लिए, उसको बचाने के लिए, उसका फिर उसके बाद बढ़ाने के लिए, उसके बाद क्या है इवोल्यूशन के लिए। क्योंकि इवोल्यूशन कब होता है, जब एक वेरिएशंस जो है वो पास आउट होता रहता है या नए नए वेरिएशंस होते रहते हैं किसमें, ऑर्गेनिज्म में, ताकि वह क्या कर सके चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को क्या कर सके अडेप्ट कर सके। तो यह इसीलिए क्या है रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। अब सबसे पहली बात है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम चलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं। सेक्सुअल में क्या होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होते हैं दो पेरेंट्स होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं मेल कहते हैं नहीं और दूसरे क्या कहते हैं फीमेल कहते हैं। तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व है ना। जैसे देखो अब हम कैसे बने या आप कैसे बने, हमारे मम्मी और पापा दो दो पेरेंट्स क्या थे इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, क्या होता है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। देखो जैसे आपने गुलाब की टहनी को काट के लगा दिया, उसके लिए किसी मम्मी पापा की जरूरत नहीं, एक पेड़ से आपने काटा और उसे क्या करा लगा दिया, क्या हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या है गैमेट्स, तो इसमें क्या होता है गैमेट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, गैमेट्स फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता ही नहीं इसमें, सॉरी होता है सेक्सुअल है ये, सेक्सुअल में क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और असेक्सुअल में क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है किसमें, असेक्सुअल में। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है केवल, जैसे आपको पता है सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं माइटोसिस और मियोसिस, तो इसमें क्या होता है केवल, इसमें क्या होता है माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन टेक प्लेस, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होगा ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस,
सेल डिवीजन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, केवल माइटोसिस होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल्स में होता है, सेक्स सेल्स में होता है, तो इसमें तो कोई ऐसा मेल फीमेल होते ही नहीं है, तो इसमें इसलिए क्या होता है, केवल माइटोसिस होता है, जो कि क्या होता है, हमारे सोमैटिक सेल में होता है। हमारी बॉडी जैसे बढ़ती है ना, किससे बढ़ती है, माइटोसिस से बढ़ती है भाई। और इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें क्या होता है कि हमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है इसमें, और बॉडी की हाइट भी बढ़ती है, बॉडी के सेल्स भी बढ़ते, क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होगा। क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन इसमें होगा। अब क्या होगा, अगला है फर्टिलाइजेशन, है ना। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें कोई नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। और वेरिएशन की बात करें तो चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप अपने मॉम और पापा पापा को देखिए, मॉम से पॉप्स को देखिए, क्या दिखते हैं, दो अलग अलग दिखते हैं। तो इसमें वेरिएशन क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि या क्या होता है, दो अलग अलग पेरेंट्स के मिलने से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें वेरिएशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन वेरिएशन अकर, है ना बेटा। और इधर क्या होता है, नो वेरिएशन टेक प्लेस, इसमें कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है तो वेरिएशन होने का कोई मतलब है ही नहीं, होगा नहीं होगा ना, तो नो वेरिएशन टेक प्लेस। ठीक है बेटा, अब क्या है, इवोल्यूशन। अब देखो भाई, जब तक वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसमें लगातार क्या होगा, वेरिएशन हो, इवोल्यूशन होगा। इसमें लिखेंगे वेरी फ्यू और नो इवोल्यूशन, वेरी फ्यू और नो इवोल्यूशन टेक प्लेस, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अकरेंस की, ये कहां कहां होता है, ये किसमें होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, और ये होता है हाइयर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप है फिजन, और फिजन का को कैसे डिफाइन करेंगे, कि व्हेन पेरेंटल बॉडी और सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड फिजन। उसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। और फिजन में दो बातें होती है, क्या कि देखो, या तो यह मल्टीपल हो सकता है या बाइनरी हो सकता है। पहले बाइनरी की बात करते हैं, जैसे मान लो ये एक अमीबा है, और अमीबा में क्या होगा, सेल डिवीजन हो रहा है, अपने क्या उसे रिप्रोडक्शन करना है, तो क्या करेगा वह, सबसे पहले क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने बॉडी को इस तरह क्या करेगा, मोड़ लेगा, और सबसे पहले किसको डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। फिर न्यूक्लियस क्या होगा, यहां से क्या होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या होगा, दोनों डिवाइड कर जाएगा, और इससे क्या होगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, क्या है, यह है बाइनरी फिजन। यह तब होता है अमीबा में, जब एटमोस्फेयर में बहुत सारा फूड वाटर, मतलब उनके पास जो है सारे न्यूट्रिटिव ऑब्जेक्ट जो है उसे मिल जाता है, तो क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। और जब कंडीशन क्या होता है, हार्स होता है, कंडीशन क्या होता है, हार्स होता है,
वैसे कंडीशन में क्या होता है, तो मल्टीपल फ्यूजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने बॉडी के चारों ओर क्या करते हैं, एक थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सिस्ट। क्या बनाते हैं? सिस्ट, हिंदी में पुट्टी बोलते हैं ना। अब क्या होता है इसमें, इसके सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर एक न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है एक नए अमीबा में। फिर जब कंडीशन क्या होता है, फेवरेबल होता है, तो ये क्या करता है, अमीबा अपने सिस्ट को तोड़ लेता है। क्या करता है? तोड़ लेता है। और तोड़ के क्या करता है, हर एक जो न्यूक्लियस से नए नए जो अमीबुली बने थे, अमीबा के बच्चे को हम अमीबुली या डॉटर अमीबा कहते हैं, ये सारे क्या होते हैं, बॉडी से बाहर, सिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पेपर में बहुत पूछता है, तो फ्यूजन का आपने क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है ना। क्या करना है? फ्यूजन के एग्जाम्पल से याद रखने हैं। मल्टीपल में हो गया आपका अमीबा, और बाइनरी में भी अमीबा कर सकते हैं आप। और उसके बाद क्या हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया, प्लाज जिससे मलेरिया की बीमारी होती है, तो प्लाज्मोडियम भी क्या करता है, फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। किसकी बात करें हम? फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखिए स्पाइरोगाइडा लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह क्या करते हैं, तो बाय एनी मीन्स क्या करता है, यदि उनकी बॉडी टूट जाती है किसी भी कारण से, उनकी बॉडी कहीं से क्या होती है, टूट जाती है, तो क्या होता है, ये अपने बॉडी के टूटे हुए पार्ट से क्या करते हैं, नए डॉटर सेल्स को, डॉटर स्पाइरोगाइडा को प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो इसे कैसे डिफाइन करें, कि इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट ऑफ और ब्रोकन इंटू मैनी पीस एंड इच पीस ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आपको हमने दिया स्पाइरोगाइडा का। अब बात करते हैं रीजेनरेशन। देखिए नाम में ही लिखा होता है, बायो यदि आपको समझना है, नाम को समझना, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा, तो फ्रेगमेंटेशन टुकड़े में बट जाना, तो टुकड़े में बट गया, चाहे मीन्स कोई सी भी हो, कैसे भी टूटे हो, लेकिन हर एक पार्ट यदि ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब हमारे पास क्या है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब फिर से, री मीन्स अगेन, जनरेट प्रोड्यूस हो जाना। देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो क्या करते हैं, जिनकी बॉडी को यदि किसी भी पीस में काट दिए जाए, किसी भी पीस में काट दिया, तो हर एक पीस क्या करता है, ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसे कहते हैं हम रीजेनरेशन। क्या करते हैं? रीजेनरेशन। तो कैसे डिफाइन करें, कि इफ एन ऑर्गेनिज्म कट और ब्रोकन इंटू मैनी पीस एंड इच पीस ग्रो इंटू न्यू ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या था, ब्रेक होना, इसमें कट होने की बात है, अंतर है। इसको कितना भी काटेंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है बेटा। क्या कंडीशन जरूरी है, कि हर एक कट जो हम कट करते हैं, हर एक पार्ट जो कट होकर के आता है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, तभी क्या करेगा, वो रीजेनरेट होगा। हमारे बॉडी में भी कुछ ऑर्गन्स रीजेनरेट होते हैं, जैसे हम बात करें लीवर की, हमारा जो लीवर है वो क्या होता है, रीजेनरेट होता है। आपने छिपकली के पूंछ को देखा होगा, देखा है ना, वो भी क्या होता है, रीजेनरेट होता है। तो यह पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म के रीजेनरेशन से मतलब है, किसी पार्ट से नहीं है, ठीक है। तो यह इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया रीजेनरेशन का, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। प्लेनेरिया इसको क्या, ये क्या है, प्लेनेरिया है, और हाइड्रा भी क्या है, रीजेनरेशन को शो करता है। अब बात आती है किसकी, बडिंग की। किसकी बात आ रही है, बडिंग की बात आ रही है। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन द पेरेंटल बॉडी। एक जैसे हम बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा जो है या ईस्ट, इसमें हम देखते हैं बडिंग, इसमें क्या होता है, पेरेंटल बॉडी पे एक क्या होता है, पेरेंटल बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड निकलता है। ये बर्ड क्या होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद क्या होता है, या जब पूरा मैच्योर होता है, तो पेरेंटल बॉडी से क्या होता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, अ स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन द पेरेंटल बॉडी
स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन द पेरेंटल बॉडी एंड इट गेट डिटेच्ड, डिटेच्ड मीन्स अलग होना, इट गेट डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी आफ्टर बीइंग यंग, जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं पेरेंटल बॉडी को छोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा अभी, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ गया हाइड्रा एंड ईस्ट। अब बात करते हैं हम टिश्यू कल्चर की। देखो ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है हमारे पास रिप्रोडक्शन की, वह क्या है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अ न्यू प्लांट ग्रोन फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द पेरेंटल प्लांट। पेरेंटल प्लांट के टिश्यू से क्या होता है नया प्लांट ग्रो करता है। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड पुट इट इन टू द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम क्या होता है, उसमें हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, बहुत सारा न्यूट्रिटिव ऑब्जेक्ट उसके अंदर होता है और उससे क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस इन विच द टिश्यू ऑफ पेरेंटल बॉडी आर कैप्ट इन कल्चर मीडियम। किस प्रकार आता है कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम क्या होता है हाईली न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पुट इट इन द कल्चर मीडियम एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट टू फॉर्म कैलस। क्या होता है टिश्यू जो होता है डिवाइड होकर बहुत सारा एक गोल सा स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें क्या कहते हैं कैलस, इट स्टार्ट टू फॉर्म कैलस, दिस कैलस आर पुट इट इन टू द अनदर कल्चर मीडियम। उसमें क्या कहते हैं फिर से जब यह कैलस हो जाता है तो क्या करते हैं उसे दूसरे कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और इससे फिर क्या होता है न्यू प्लांट्स ग्रो, उससे क्या होता है नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसमें हम बहुत कम समय में टिश्यू कल्चर में बहुत सारे पौधे क्या कर सकते हैं उगा सकते हैं और इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि आपकी टाइम की बचत होती है, बहुत कम समय में आपको बहुत सारा जो है वह क्या होता है बेबी प्लांट मिल जाता है। अब बात करते हैं किसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव का मतलब होता है वह सारे पार्ट, जैसे बात करें रूट स्टेम लीव लीव्स और ब्रांचेस, इन सबसे जो भी पौधे निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारे पास एग्जांपल क्या है बाय रूट, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पहले हम डिफाइन कर लें कि कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है आपको हमने समझाया अभी, रूट स्टेम लीव्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है वेजिटेटिव में, सबसे पहले रूट से कौन कौन से प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको एग्जाम्पल बेटा जरूर याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। रूट से कौन कौन से करते हैं, जैसे डहेलिया हो गया, डहेलिया का फ्लावर होता है, स्वीट पोटैटो आपने खाया जरूर होगा, आपने बनाना का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने बैम्बू का नाम सुना होगा, तो ये सारे किससे करते हैं रूट से करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम की, स्टेम से रिप्रोडक्शन कौन कौन करता है, एग्जाम्पल है इसका पोटैटो क्या है, पोटैटो जिंजर डलवर्जिया सीसो, जिसे आप लोग सीसम का पौधा कहते हैं, तो भाई उसे साइंटिफिक नेम है डलवर्जिया सीसो, भी स्टेम से करता है और वह स्टेम और रूट दोनों से करता है, ठीक है। बाय लीव्स, लीव्स की बात करें तो हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह क्या है ब्रायोफिलम, क्या है ब्रायोफिलम के पौधे किससे करते हैं लीव्स से करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है जैसे ही ब्रायोफिलम का लीव्स जमीन पे गिरता है तो उसके जो ये जो पार्ट होते हैं इसके इन सारे पार्ट से क्या होता है नए नए प्लांट क्या होते हैं निकल जाते हैं। तो ब्रायोफिलम किससे करता है लीव से। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की। अच्छा टिश्यू कल्चर मैंने वहां भी लिख दिया बेटा, और टिश्यू कल्चर इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑल्सो, तो हमने यहां भी लिख दिया, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, कटिंग की। सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की। आपने देखा होगा जैस्मिन के पौधे में, चमेली के पौधे में, रोज के पौधे में, लेमन के पौधे में हम क्या करते हैं उसके स्टेम से क्या करते हैं उसको काट के और कहीं पे क्या करते हैं लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है नया प्लांट क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है ना, देखा है। और तो कटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम कॉमन लाइफ में देखते हो क्या है रोज का, रोज की टहनी लगाओ और नए रोज के पौधे निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, यह लेयरिंग इज द प्रोसेस इन विच स्टेम्स आर बडेड इन टू द सॉइल, स्टेम्स आर बडेड इन टू द
सॉइल से बरीड कर देते हैं, गाड़ देते हैं अंदर जमीन में, और फिर आफ्टर सम टाइम्स द एडवेंटिशियस रूट आर प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है रूट निकल जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल वही है जैस्मिन का पौधा, आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म है ग्राफ्टिंग। देखिए ग्राफ्टिंग की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, हमें दो प्लांट लेना होता है, हमें कुछ ऐसे प्लांट चाहिए, इसमें हम क्या करते हैं डिजायर्ड प्लांट को उगाने के लिए हमें जैसा प्लांट चाहिए उसके रूट, एक प्लांट का हम रूट लेते हैं और दूसरे को क्या लेते हैं शूट लेते हैं। फिर इसको क्या कह लेते हैं, पहले प्लांट का रूट और दूसरे प्लांट का हम क्या करते हैं शूट लेते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं प्लांट का जो हम यदि ग्राफ्टिंग की बात करें तो जिस प्लांट का हम क्या करते हैं रूट सिस्टम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं स्टॉक, और इसको क्या बोलते हैं सियोन, क्या बोलते हैं स्टॉक एंड सियोन। तो सियोन किसका बोलते हैं, इसका हम स्टेम लेते हैं, और स्टॉक किसको बोलते हैं, इसका हम क्या करते हैं रूट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसके स्टेम को और रूट को ऐसे काट के और क्या करते हैं आपस में चिपका के यहाँ क्या करते हैं बांध देते हैं इसको। तो इससे क्या होता है नया प्लांट उगता है जिसमें क्या होता है हमारी डिजायर्ड क्वालिटी होती है। जैसे हम आम के पौधे की बात करें तो आम के पौधे में आपने देखा होगा जो जिस आम के फल बड़े होते हैं उसके पेड़ छोटे होते हैं, और जिसका फल छोटा होता है उसके पेड़ बड़े होते हैं। तो हमें आम भी बड़े चाहिए, हमें मैंगो ट्रीज भी क्या चाहिए बड़ा चाहिए, क्योंकि बड़ा होगा तो ज़्यादा ज़्यादा उसमें क्या होगा फ्रूट्स आएगा, और यह फ्रूट्स जो है वो क्या होगा जब पेड़ बड़ा होगा तो क्या होगा ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स हमें क्या होगा मिलेगा। तो यह जो मेथड है यह क्या है, तो डिजायर्ड प्लांट को प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन द प्लांट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज हम क्या करते हैं, हम करते हैं ग्राफ्टिंग। और टिश्यू कल्चर तो हमने आपको यहां समझा ही दिया था। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में, किसमें स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन की जो बात करें तो सबसे पहले हमें किसके याद आता है राइजोफस का। राइजोफस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अब देखो राइजोपस का ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं राइजोइड, जो आपको जड़ जैसा लग रहा है इसका नाम क्या है राइजोइड, और ये क्या है स्प्रोंजियम है, या स्प्रोंजिया बोलते हैं या इसको स्प्रोंजियम बोले जो भी आपने बोलना हो। तो वो स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज कवर्ड विथ थिक वॉल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पोर, When it get mature, it break down. यह क्या होता है break down, और spores is carried away from the parental plant. ये क्या होता है spore क्या करता है जब स्प्रोंजियम क्या होता है mature हो जाता है तो क्या होता है फट जाता है, और इसके अंदर जो spore होते हैं वो spore क्या होता है दूर दूर तक फैल जाता है, and each spore grow into new plant. उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है राइजोइड, ठीक है बेटा। तो अब जो हम अगला वीडियो देंगे आपको उसमें हम क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर की बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। सो थैंक यू, वॉच इट प्रॉपरली एंड गिव कमेंट यू लाइक इट और नॉट।